बीआरएस के प्रधान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर बीआरएस भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने लिए दिल्ली में भी दफ्तर बनाया गया है। इस मौके उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन्हें कहा कि देश में उनकी पार्टी विलक्षण थां बनाएगी। आप सबको मालूम है भारत राष्ट्र समिति एक इसके पहले एक प्रांतीय पार्टी थी, अभी पूरा देश में अभी विस्तार हो रहा है। सभी राष्ट्रों में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, सभी राष्ट्रों में इसका अभी विस्तरण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। दिल्ली अपना नेशनल कैपिटल होने की वजह से यहाँ भी हमारा ऑफिस होना चाहिए, ये उद्देश्य ये वार फुटिंग पे ये ऑफिस बनाया। आज हमारा बीआरएस पार्टी का नेशनल पार्टी लीडर, नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट केसीआर साहब, के चंद्रशेखर राव साहब इसका इनॉग्रेट किया है। अभी अब से तेज़ी से हम हमारा कार्यकलाप हम चालू रखेंगे। मैं देश के जनता को मुबारक की बात देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सीएम साहब ने बीआरएस नेशनल प्रेसिडेंट केसीआर साहब टीआरएस को बीआरएस चेंज करने का वजह रीज़न यही है कि देश के अंदर राजनीति का मीनिंग ही माहौल ही बदल गई। जैसा बीआरएस नहीं आए तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, मगर कांग्रेस जिम्मेदारी निभाने में फेल्यूर हो गई। इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है कोई ना कोई लीडर अगेंस्ट बीजेपी लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल पॉलिटिक्स में खासकर बीजेपी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरा किसानों के खिलाफ जारी, गरीबों का खिलाफ जारी, औरतों का खिलाफ जारी, दलितों का खिलाफ जारी, ये सब रोकना बोले तो एक ही नायक है, लीडर है, नेता है, वो सिर्फ केसीआर। पहले भी हम जैसा कि सेपरेट स्टेट के लिए तेलंगाना अलग करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे हम, जब भी बहुत तकलीफ फेस करे हम, उस टाइम पे भी केसीआर ने बहुत अच्छा ताकत लगा के हिम्मत से विश्वास से जो लड़ाई किए हम हमारा स्टेट हासिल किए। आज सच हमारे देश के लिए इंडिपेंडेंस आना है तो कोई ना कोई आवाज़ उठाना ज़रूरी है, किसान के बारे में बात करना ज़रूरी है, गरीबों का तकलीफों को हल करना हर एक का फ़र्ज़ है। मगर आज के दिनों में कोई पार्टी ऐसा बीजेपी के खिलाफ लड़ने को हिम्मत ही नहीं कर रही, मगर हिम्मत वाला है, बहुत समझदार है, बहुत तजुर्बे वाला है हमारे सीएम साहब ने, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट बीआरएस पार्टी के, ज़रूर देश के अंदर राजनीति का एक अच्छा निर्वचन, एक अच्छा डेफिनेशन देने के लिए उन्होंने आगे बढ़ेंगे। ज़रूर उनके साथ जैसा हमारे तेलंगाना के आवाम लोग चल रहे थे तेलंगाना जद्दोजहद में लड़ाई में, वही माहौल फैलाएंगा देश के अंदर। देश के जितने भी लोग हैं, गरीब, औरत, किसान, जवान, कोई भी हो, आज केसीआर जो बात करते जा रहे, जो स्कीम्स हमारे स्टेट के अंदर अमल करे किसान के बारे में, रैतु बंधु, रैतु बीमा के नाम से, और गरीब लोगों का शादी करने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक करके हमारे पास एक अच्छा स्कीम चला रहे, ऐसी बहुत ही वेलफेयर स्कीम्स अमल में लाए हमारे स्टेट के अंदर, वो चीज़ों को अगर लोगों के अंदर लेके गए तो ज़रूर लोगों का सोच बदल जाती। एक बार लोग समझना शुरू करें तो ज़रूर बीजेपी पार्टी को नीचे खींचे तलक नहीं छोड़ेंगे।